देश दुनिया की हर बड़ी खबर हमें डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस के प्रतिनिधि, एक बुलंद आवाज, स्वतंत्रता संग्राम में जिसका परिवार जुड़ा हो, जिन्होंने सच की लड़ाई लड़ी, ऐसे अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक, अघोषित आपातकाल है। आज राहुल गांधी व सोनिया गांधी जी ने इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद कराई है। कांग्रेस के इशारों पर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे कांग्रेस समर्थित सरकार ने तानाशाही की परिकाष्ठा की है। यह लोकतंत्र पर हमला है, देश की प्रेस पर हमला है। सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। सभी प्रेस के लोगों को एक बैनर, एक आवाज के साथ अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आज की तानाशाह कांग्रेस समर्थित सरकारों, कांग्रेस की प्रदेश सरकारों द्वारा जिस तरह प्रेस पर हमले हो रहे उसका मुकाबले के लिए बाहर आना होगा। और उसी तरह जिस तरह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश से आपातकाल के उस संघर्ष को लड़ा गया था, आज महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इशारों पर चलने वाली उद्धव ठाकरे सरकार की तानाशाही की प्रकाष्ठा के खिलाफ भी लड़ना होगा। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कहां है वो मानव अधिकार व प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस की अभिव्यक्ति की बात करने वाले? कहां है वो तथाकथित सेक्युलर छदम धर्मनिरपेक्ष वाला टोला? जनता आज उनसे जवाब मांगती है। पूरा देश अर्णव गोस्वामी के साथ है। सोनिया बहन, राहुल गांधी जी, पूरा देश अर्णव गोस्वामी के साथ है। क्या आप कांग्रेस के शासित राज्यों में, कांग्रेस समर्थित राज्यों में सच बोलना अपराध है, पोल खोलना अपराध है? अर्णव गोस्वामी अपराधी नहीं, अपराधी वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या आपके इशारों पर कर रहे हैं। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।